अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेप अप टेक। बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक है वो मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड है। आपको पता है कि मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, जहां पे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपके पास लेक्चर्स मौजूद होते हैं, अपडेट होते रहते हैं। और ये अगर आपको बेनिफिशियल लगता है अपने लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और काइंडली शेयर कर दें। तो चलते हैं हम अपना बिना कुछ वक्त ज़ाया किए, अपना और आपका भी, तो मेडिकल बिलिंग के आज के एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि है ग्लोबल पीरियड इन यूएस हेल्थ केयर के रिलेटेड। ये अब बेसिक क्या होता है, इसके अंदर किस सिनेरियो से वर्क परफॉर्म किया जाता है और आप लोग कैसे इसके डिनायल से बच सकते हैं, तो उसके रिलेटेड आपको इसी वीडियो में गाइड किया जाएगा। जी तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। बेसिकली व्हाट इज ग्लोबल पीरियड? इट इज द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच ऑल द नेसेसरी सर्विसेज नॉर्मली फर्निश्ड बाय अ सर्जन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ प्रोसीजर आर इंक्लूडिंग इन द रीइंबर्समेंट फॉर द प्रोसीजर परफॉर्म। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जिसके अंदर आप कुछ भी नेसेसरी सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी भी सर्जन ने आपकी सर्जरी करने से पहले कोई टेक्निकली आपको कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह आपकी चेक करनी है, आपका बीपी कह सकते हैं, आपकी कोई भी रिपोर्ट जिस चीज की सर्जरी हो रही है, या उसके दौरान आपको कोई भी काम पड़ सकता है, या आफ्टर द प्रोसीजर आपको अगर अपने डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ रहा है बार बार, या उस पेशेंट को जो के रिलेटेड होगा किसी इंजेक्शन के, या उसके कभी पेन हो गया किसी ना किसी चीज के रिलेटेड, तो ये इस सिनेरियो में आ जाता है। तो ग्लोबल पीरियड का जो आप लगाते हैं वो इस चीज के लिए, ये वो पेशेंट्स होते हैं जो कि सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद और सर्जरी के दरमियान में एक मखसूस टाइम पीरियड के दरमियान आते रहते हैं, उसके बाद ही आप जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को उस टाइम पीरियड के बाद अप्लाई कर सकते हैं अपने क्लेम के लिए। ग्लोबल सर्जरी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू हॉस्पिटल इन पेशेंट सेटिंग, इट अप्लाइज इन एनी सेटिंग सच एज इन पेशेंट हॉस्पिटल, आउटपेशेंट हॉस्पिटल, एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर्स एंड फिजिशियंस ऑफिस। बेसिकली ये सर्जरी डिस्ट्रिक्ट हैं या हॉस्पिटल्स या इनपेशेंट हॉस्पिटल्स वो होते हैं बेसिकली जो कि आप हॉस्पिटलाइज होते हैं फॉर, मतलब इसमें हम इमरजेंसी में भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में भी कह सकते हैं, या वो जो कुछ ना कुछ करवा के अपनी ट्रीटमेंट के लिए आते रहते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी सेटिंग के ऊपर अप्लाई हो सकता है। जी तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग मजीद इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन और प्रो हॉस्पिटलाइजेशन आर द पार्ट्स ऑफ ग्लोबल पीरियड, सेम जैसे आपको सेकंड टॉपिक के अंदर समझ आ गया होगा। ग्लोबल पीरियड डिफर बाय प्रोसीजर टू प्रोसीजर, यानी कि ये डिफरेंट होता है, एक प्रोसीजर जो चल रहा है उससे अगर डिफर होता है, मतलब एक प्रॉपर एक प्रोसीजर चलता है, और इसका जो टाइम पीरियड चलने का होता है ना, वो यूजली टेक होता है 1 to 90 days के बिटवीन, से पहले और 90 days के बाद ना क्लेम जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और इसके दौरान अगर कोई पेशेंट बार बार आपके पास आ रहा है, तो आप ही क्लेम रखेंगे, वो बार बार उसको नया जनरेट आप डीएस डेक्स कोड जो है वो जनरेट नहीं करेंगे। ग्लोबल पीरियड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम फॉलोइंग लिंक, ये एक लिंक है, इस पे आप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कोई भी पेशेंट है उसका ये सारा चेक करना होता है किसके पास कितना टाइम ड्यूरेशन है, इतने में ये आ चुका है, इतना ये इसका एंड अप हो जाएगा। तो आप अगर इस लिंक को क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक साइट ओपन होगी जिससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आज हमारी छोटा सा टॉपिक था ग्लोबल पीरियड की डेफिनेशन के रिलेटेड, कि आप इसमें कैसे जो है वो काम करेंगे, इसके ऊपर किस तरह डिनायल को आप कर सकते हैं, वो इसके रिलेटेड मैं आपको डिटेल वीडियो में सारा गाइड करूंगी। या आपके सामने स्क्रीन पे आपको ग्लोबल सर्जरी कैलकुलेटर का एक एक्सेस लिया हुआ जो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हम उसकी एंट्री डेट डालते हैं और प्रोसीजर कोड डालते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा इस बंदे की कितने डेज के बाद हम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए सबमिट करवा सकते हैं और अपनी इनकम जो है वो विदड्रॉ करवा सकते हैं। जी ओके